तो बच्चों आज हम देखेंगे एक्सिलरी वर्ब, जो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे एक्सिलरी वर्ब किसको बोलते हैं। एक्सिलरी वर्ब जिसमें एक्शन नहीं होता है, क्रिया का कोई भी काम नहीं होता है, क्रिया का जो हरकत है, क्रिया की काम होती है लेकिन हरकत वाला जो है ना वो नहीं होती। लेकिन ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, क्या चीज़ है, क्या है ये बताता है, और क्या है ये सहायता करती है मेन वर्ब। ये डेफिनेशन था एक्चुअली वर्ब का, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखेंगे, इससे एग्जांपल से आप लोग क्लियर हो जाए। एग्जांपल ये कि मैंने यहाँ पे लिखा है आई ए क्रिकेटर, इससे क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आई ए क्रिकेटर नहीं। अगर जब हम इसके इसके बगल में हम एक्चुअली वर्ब ले लेते हैं तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये मैं एक क्रिकेटर हूँ। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि एक्चुअली वर्ब की सहायता से सेंटेंस एक स्पष्ट रूप से क्लियर होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा ही बैटमैन, कैसे क्लियर होता है ये सेंटेंस स्पष्ट रूप से समझ में आता है ही बैटमैन। वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस रिटन ऑन दिस बोर्ड, वी डोंट अंडरस्टैंड। तो देखिए बच्चों, अगर हम एक्चुअली वर्ब का इस्तेमाल यूज यहाँ पे करते हैं तो ये स्पष्ट रूप से एक सेंटेंस तैयार हो जाता है, वह एक बुरा आदमी है, ही इज अ बैटमैन, वह एक बुरा आदमी, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे आप देखेंगे इट ए टेबल, इसे आपको नहीं क्लियर होगा ये क्या कह रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ये, यहाँ पे अगर हम एक्चुअली वर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि ये एक टेबल है, ठीक है। तो ये याद रखना है इस टॉपिक में कि एक्चुअली वर्ब को मेन वर्ब को सहायता करती है, एक्चुअली वर्ब मेन वर्ब को क्या करती है, सहायता करती है और सेंटेंस को स्पष्ट रूप में क्लियर करती है, जिससे लिसनर को, रीडर को समझ में आ सके, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि होते क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है एम इज वाज वेयर हैज हैव हैड, ठीक है, इस तरह का एग्जांपल होता है, सॉरी इस तरह का वर्ड्स होता है जो मेरे एक्चुअली वर्ब में के अंदर आते हैं, ठीक है। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।